नमस्कार, मैं गौरी रानी, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चुनाव सह प्रभारी नंदकिशोर यादव जी। सर बताएं, कल चुनाव का पहला चरण है, कैसा तैयारी है, क्या चल रहा है भाजपा? नहीं, जनता का मूड पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है और मुझे तो इतना ही दिख रहा है कि जो प्रथम चरण के चुनाव होंगे तो विरोधियों के सुपरे साफ हो जाएंगे। 13 सीटों में जो होना है चुनाव, उसमें क्या लग रहा है, क्या कितने आप लोग सीट ला पाएंगे? इस बार 65 पार का जो नारा है, क्या वो भाजपा पार कर पाएंगे? देखिए, संख्या की बात, मैं कितने सीट पे जीतेंगे ये टिप्पणी करना उचित नहीं है, कल मतदान होने वाला है। लेकिन मैंने कहा आपसे कि विरोधियों को निराशा हाथ लगेगी, चारों खाने चित होंगे और हर हालत में 65 पार का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, जनता का मूड यही दिख रहा है। अमित शाह जी के बयान पे कल आजसू और का जो गठबंधन का बात हुआ, उसमें अभी तक गठबंधन का कुछ ऐसा तय नहीं हुआ है, तो क्या अगर भाजपा क्या बहुमत बनाएगी आजसू के साथ अगर जीतेगी तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अकेले लड़ रही है सभी सीटों पर, हमारा गठबंधन यहाँ किसी के साथ हुआ ही नहीं। गठबंधन नहीं हुआ सर, मतलब आगे अगर जब रिजल्ट आएगा तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर मगर में बात थोड़ी होती, मैं तो अपने बल पे बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि मुझे स्पष्ट बहुमत हमें प्राप्त होगा और हम सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र के बारे में इतना बोल दिया उसमें, हम लोग क्या? अच्छा, सरयू राय के बयान पे क्या बोलेंगे, जो रघुवर दास के खिलाफ जाके चुनाव में उतरे हैं, तो उसमें क्या? भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के खिलाफ जो चुनाव के मैदान में, उसके बारे में कहने की आवश्यकता क्या है? किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए लड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हमने बात किया अभी नंदकिशोर यादव जी से, जिन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें द एसडी न्यूज़। गौरी रानी रांची से।